मेरे गौस पाक की बारगाह में एक शख्स आया, मेरे गौस पाक कहते मुरीद बन जा का सरकार, मुरीद तो बनू नहीं, मेरी दो शर्तें हैं। अब शर्त अजीब है, आप सुनोगे तो मुस्कुराओगे। गौस पाक से रोशन जमीर से दिन में सुभानी से का कौन सी दो शर्त है? आज तक इतने मुरीद बने किसी ने शर्त नहीं रखी, ये दो शर्त के था। गौस पाक ने कहा बता तेरी कौन सी दो शर्त है? का मेरी पहली शर्त ये है कि मैं चोरी करता हूँ चोरी नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह अकबर, क्या है? चोरी करता हूँ चोरी नहीं छोड़ूंगा। गौस पाक ने दूसरी शर्त क्या है? का दूसरी शर्त नमाज नहीं पढ़ूंगा। अल्लाह अकबर, क्या कहा? नमाज नहीं पढ़ूंगा। गौस पाक ने ठीक है, ए कोई पीर मेरे दस्तगीर आजम है, 700 से ज्यादा कुरान में नमाज का जिक्र आया, सलाह सलाह। लेकिन गौस पाक क्या कह रहे उस चोर को कि ठीक है नमाज ना पढ़ना, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर किसी दो बात मान ली तो गौस पाक से अर्ज करता, गौस पाक एक नहीं 1000 शर्त मंजूर है। क्या कहा? गौस पाक एक नहीं 1000 शर्त मंजूर है। गौस पाक कहते नहीं, तेरी दो शर्त मेरी एक शर्त। क्या कहो कौन सी शर्त है? कहा कि जब भी अजान का वक्त हो नमाज का तो अजान पढ़ लिया करना। कहो सुभान अल्लाह, अजान पढ़ लिया करना वक्त हो जाए तो। अब कहा तो नमाज तो नहीं पढ़ूंगा। अल्लाह अकबर, वो सर ठीक है। क्या कहा? ठीक है, लेकिन अजान पढ़ लेना। पहला रोज हुआ, बीबी ने देखा कि फजर की अजान दे रहा है शोर, क्या कर रहा है? अजान पड़ी तो गया। बीबी हैरान है, सबसे ज्यादा राजा तो बीबी होती है। जोर का वक्त हुआ, अजान पड़ी, घर के अंदर बैठ गया। असर का वक्त, अजान पड़ी, बैठ गया। बीबी हैरान है कि नमाज तो पढ़ता नहीं हजार। तो बीबी ने कहा ऐसे करो तुम बस में चले जाओ, बांगी बन जाओ ताकि तुम गुस्सा आएगा। तो कहा नहीं मैं अजान पढ़ूंगा। तो कहा तुम अजान ही पढ़ेगा, नमाज कब पढ़ेगा? ठीक है, ये मना किया है मैंने, घोष पकड़ में नहीं पढ़ा। घोष पकड़ा ठीक है ना, पर ये कैसे पीर है कि नमाज नहीं शरत? कहा मुझे कहा है। तो कहा ठीक है। दूसरा रोज हुआ, अजान पड़ी, लेट गया, अजान पड़ी, बैठ गया। बीबी ने कहा देख तू अजान ही पड़ेगा, नमाज पढ़ या मस्जिद चला जा, मैं चोरी कर मेरा पेट भर, अब भूख लगी है मुझे। तो कहा बेगम बात ये है मैं चोरी तो करने जाऊं लेकिन सोचता हूं कौन से वक्त में जाऊं। गौस पाक से वादा किया है कि अजान पढ़ो, है गौस पाक से वादा कर लिया है। बेगम कुछ भी हो जाए चोरी कर जो भी कर मेरा पेट भर। अब बीबी का झगड़ा है, उसकी जबान चलती है, कातर कम हो जाती है, बीबी की जबान ज्यादा चलती है। क्या करे? आपको भी अनुभव होगा, क्या करे? मजबूर था बेचारा, उस पाक से वादा किया जान पड़ूंगा और बीबी से कह रहा है कि मैं चोरी करूंगा। क्या कहा? ठीक है आज रात को कहीं डाका डालूंगा। सोचता है कौन सा वक्त, ऐसा के बाद का वक्त अच्छा रहेगा, क्या इसके बाद कोई अजान नहीं हुआ थी? तो कहा ठीक है। बीबी को कहा देखो आज मैं जा रहा हूं, बड़े अमीर था बगदाद तरीके, वहां गया वो आदमी, दरवाजा खोला, अरमाली खोली, अजीब मंजर देखा, चारों तरफ सोना ही सोना, क्या चारों तरफ सोना ही सोना, चांदी चांदी, पैसा ही पैसा। इतनी खुशी हो गई कि आज के बाद तो कभी चोरी नहीं करनी पड़ेगी, इतना माल आ गया, इतना माल बोरियां भर ली, और इतनी खुशी थी कि वक्त का पता नहीं चला, फजर की अजान का वक्त हो गया। अल्लाह अकबर, अब करे तो क्या करे? गौस पाक से वादा किया था, चोरी का माल पड़ा है उसी के घर में है, अजान पढ़ना शुरू किया, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, असद असद इसे पढ़ा ना, जितने सोए तो सब खड़े हो गए। सुभान अल्लाह, हमारे घर पे अजान हो रही है, सब खड़े हो गए, खड़े हो गए, वो तो अजान पढ़ रहे और सब लोग खड़े अदब के साथ, अजान पूरी हुई देखा 3 सब हो गई। कहो सुभान अल्लाह। तो एक आदमी ने देखा कि अजान हो गई, इसने भी सोचा कि सामने चोरी का माल है और घर वाले सब जाके करूं तो क्या करूं, सोच रहा है कि 2 रकात सुन्नत पढ़ ही लेता हो। कहो सुभान अल्लाह, हमारा काम हो जाएगा। मेरे गौस पाक अपने हुजरे पाक में मुस्कुरा रहे कि मेरा मुरीद फंस गया, फंस गया, अब तो उससे पढ़ने ही पढ़नी है 2 रकात।
یہ میرے گوشت پاک کی نگاہ کرم. یہ نہ سمجھو کہ میرے گوشت پاک دیکھ رہے, گوشت پاک ہم سب کو دیکھ رہے ہیں. میرا تو عقیدہ گوشت پاک آئے ہوئے ہیں, جہاں گوشت پاک کا ذکر ہو گوشت پاک کے تو وہی میرا ذکر کر سکتا ہے جسے میں محبت کرتا ہوں. آئے آئے گوشت پاک کے تو وہی بول سکتا ہے میرا نام لیتا ہے جسے میں چاہتا ہوں, وہی گوشت پاک کا نام لیتا ہے. وہ گوشت پاک مسکرا رہے. مرے کا وہ پھنس گیا چور کا سرکار اتنی مسکراہ کہا وہ پھنس گیا دو رکعت پڑھ رہا ہے سنت موقع دا اجام تو پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی تھی جماعت, اب دو رکعت پڑھ رہا ہے مجبور ہو کر. دو رکعت سلام پھیری نا تو ایک آدمی کھڑا ہوا کہ حضرت نماز کا وقت تکبیر پڑھ لو. کیا کہا؟ ارے کہا میں حضرت کوئی نہیں, میں تو چور ہوں, چوری کرنے آیا تھا. کہا نہیں نہیں آپ کی نگاہ بتا کہ آپ اللہ کے ولی نظر آ رہے ہیں. سبحان اللہ, آپ کی نگاہ بتا رہی ہے کہ کسی ولی کی ایک نگاہ پڑ گئی آپ پر. دل میں سوچتا ہے کسی ولی نہیں, گوشت پاک کی نگاہ پڑ گئی ہے, دستگیر کی نگاہ پڑ گئی ہے. تو کہا پڑھ ہی یہ تکبیر. جلال میں کر امام صاحب نے کہا پڑھ تکبیر. اس نے تکبیر پڑھی اور امام صاحب نے جو رکعت پڑھا ہی فجر کی, جیسے ہی سلام پھیرنا تھا اور سلام کے بعد کوئی گوشت پاک کے مرید وہ چور کے کوئی ہاتھ چوم رہا ہے اور کوئی پیر چوم رہا ہے. سبحان اللہ, کہ اگر دو رکعت پڑھا لینے سے اتنا مرتبہ مل جاتا ہو قسم خدا کی تو آج کے بعد ہر وقت کے ساتھ میں نماز پڑھ لیا کروں گا. آیا گوشت کا کہ میرے گوشت پاک مجھے معاف کر دو, میرے گوشت پاک کے دل میں سب جان رہا ہوں. اس لیے اعلیٰ جج کر جسے اللہ چاہے علم غیب بتا فرماتا ہے. اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بلا, جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود اور نگاہ ولی میں خدا سے دیکھی بدل دیتی. آپ کو دعوانا سلام کرے ہو جائے.